Tayyar yakın çalda, tayyar yakın çalda. Yakın çalda, pompay, pompay. साढ़े पाँच साल जेल में बाहर रहने के बाद आई फील माई सेल्फ स्ट्रॉन्गर एंड प्राउड ऑफ माई पीपल, प्राउड ऑफ माई कमिटमेंट. आई टेक ए प्लेज एंड ए प्रॉमिस दैट आई विल नॉट लेट डाउन माई पीपल. आई टेक ए प्लेज दैट आई विल फाइट मोदीज नरेटिव ऑफ नया कश्मीर विच हैज मिजरेबली फेल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर. पीपल हैव रिजेक्टेड हिज नरेटिव एंड पीपल हैव रिजेक्टेड, पीपल ऑफ जे एंड के हैव रिजेक्टेड व्हाट एवर ही डिड ऑन 5th August 2019. The vote to me was a referendum against Modi's policy, especially abrogation of Article 370 and 35A. I am committed to work for the welfare of my people, for a peaceful resolution to Kashmir issue. Aur Modi ji se kehna chahenge, daro mat, daro mat. Sir, still the leader. Leaders like Umar Abdul, leaders like vote se, leaders like Umar Abdul, vote se, leaders like vote se. लीडर्स लाइक महबूबा मुफ्ती एंड उमर अब्दुल्ला सेइंग दैट इट इज एन इंटेंशनल रिलीज एंड यू विल बी सपोर्टिंग बीजेपी लाइक अ प्रॉक्सी. माई फाइट इज मच मोर थिकर देन व्हाट उमर अब्दुल्ला सेज. हिज फाइट इज फॉर द चेयर, माई फाइट इज फॉर द पीपल. साढ़े पांच साल जो बंदा जेल में मर रहा हो और वो साढ़े पांच साल लंदन की गलियों में, गुलमर्ग की गलियों में और दिल्ली की तरफ दिल्ली में छुप कर बैठे थे, आज वोट के लिए बाहर आए हैं. आई एम नथिंग टू से हिम. पीपल ऑफ नॉर्थ कश्मीर हैव रेस्पॉन्डेड हिम. अपनों की यादें खुशबू की तरह होती हैं. चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती है. अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी. जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है. ऑलरेडी ऑन 4th ऑफ जून व्हेन ही लॉस्ट बाय मोर देन 2 लाख वोट्स. सो महबूबा मुफ्ती साहिबा भी हार गई. आई एम एजेंट ऑफ माई कॉन्शियंस, आई एम एजेंट ऑफ माई पीपल. और मुझे उन लोगों की सर्टिफिकेट क्या चाहिए जो बंदा तिहार से, तिहार का नाम ही काफी है. आई कॉन्ट फॉरगेट अल्ताफ फंतोश हुआज माई सेलमेट, जिसको मैंने आखिरी बार जब निकाला तो उसकी लाश की घर पहुंची. आई कॉन्ट फॉरगेट डजन्स ऑफ कश्मीरीज, उदल माजिर बाबा हयाज अहमद लोन फ्राम कुपवारा, उदल माजिर बाबा फ्राम सोपोर जो सर्जरी के लिए तड़प रहे हैं, अरशद टांची फ्राम कुपवारा जो लोग इलाज के लिए तड़प रहे हैं. देयर आर डजन्स ऑफ पीपल, डजन्स ऑफ इन्वेस्टर्स फ्राम कश्मीर हु आर देयर इन तिहार हु नीड इमीडिएट मेडिकल केयर. मैं इतना ही कह दूंगा उमर साहब और महबूबा जी से, नई लड़ाई लोगों के लिए है. मैं उनकी बात करके अपना कद और अपनी कुर्बानी छोटा नहीं करना चाहता. बीजेपी को बाहर सपोर्ट करेंगे आप? ये कहने की बात है, आई एम विक्टिम ऑफ बीजेपी. हाउ डू यू से बीजेपी का नया कश्मीर तो पहले हार चुका है. आई विल फाइट मोदी जी पॉलिसीज टिल माई लास्ट ब्रेथ बिकॉज ही हैज ऑलरेडी लेट डाउन पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर. उसका नया कश्मीर कहीं पर कुछ भी नहीं है, वो आपको पता चला होगा इलेक्शन में भी, उसके बाद भी. और जो मेरा वोट है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आपको पता होगा कश्मीर में पहली बार जो मोदी जी कह रहे हैं इतने परसेंटेज वोट बढ़े, दैट वोट बस बिकॉज इट वॉज ए रिजनमेंट अगेंस्ट मोदीज डिसीजन ऑफ टू एब्रोगेट आर्टिकल 370 एंड 35A. पहले कश्मीरी लोग पीसफुल तरीके से बात करते थे, उसके बाद सोशल मीडिया पर भी पाबंदी लगा, कहीं बात करने नहीं दी, तो लोगों को एज ए ऑप्शन लगा कि हमें वोट डालना चाहिए. इट वॉज नॉट इन लव विद मोदी जी. जो वोट लोगों ने डाला पार्लियामेंट इलेक्शन में, ये मोदी जी के प्यार में नहीं डाला, ये मोदी जी को बताने के लिए डाला कि कश्मीरी क्या चाहते हैं, कश्मीर क्या चाहता है. वो पीओके की बात करते हैं, वो जब हम यही बात कहते हैं फिर तो लोगों से पूछा जाए आर पार कि वो लोग क्या चाहते हैं. हाउ टू रिजॉल्व कश्मीर इशू एंड इफ सेइंग दैट इज अ क्राइम, आई एम प्राउड टू डू दैट क्राइम अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन. कश्मीर को खून से सींचा, कश्मीर हमारा है. मेरा सिर्फ यही पैगाम है कश्मीर के लोगों को, आई एम कमिंग देयर टू यूनाइट माई पीपल नॉट टू डिवाइड देम. कश्मीर बिलोंग्स टू अस, हम अपनी धरती के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं. आई विल नॉट एक्सप्लॉइट माई पीपल. माई मैसेज टू यूथ इज फोकस ऑन एजुकेशन, फोकस ऑन योर कैरियर, लीव पॉलिटिक्स अस. इट इज माई जॉब टू रिप्रेजेंट योर सेंटिमेंट्स एंड एस्पिरेशन. उसके लिए अगर मुझे एक तारीख को क्या
उम्र भर की तिहाड़ जेल में जाना पड़े। और फिर जो आपने उम्र साहब की बात की, सिंस यू हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन, आई वाज नॉट इंटरेस्टेड। एक बड़े मार्जिन से आपने, एक बड़े मार्जिन से आपने, सिंस यू हैड आस्क्ड मी द क्वेश्चन, इट वाज उमर अब्दुल्ला साहब, जब मेरे लोगों ने नॉमिनेशन पेपर फाइल किया तो उन्होंने कह दिया उस वक्त, अगर आपके पास बाइट उनकी होगी कि काश मुझे पहले पता चला होता मैं इनके खिलाफ लड़ता ही नहीं। फिर जब हम जीत गए फिर कहा इट इज विक्ट्री ऑफ इस्लामिस्ट्स एंड इट इज विक्ट्री ऑफ रेडिकल्स। मैं उसे कहना चाहता हूँ आई एम प्राउड टू बी इस्लामिस्ट बट नो इस्लामिस्ट इज रेडिकल, वी आर नॉट रेडिकल्स। और उसके बाद आज कहते हैं आप बीजेपी से मिलाए, वो बताएं उनकी कौन सी बात सच्ची है। लेकिन दैट इज फॉर यू ऑल्सो, इफ आई एम ए सेपरेटिस्ट देन इंटायर कश्मीर इज गॉन आउट ऑफ योर हैंड्स। फिर सारे लोग मेरे साथ हैं, लेट यू डिसाइड, आई हैव टेकन ओथ इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट दैट डजंट डिबार मी फ्रॉम टेलिंग द ट्रूथ। नेहरू है टॉक अबाउट कश्मीर इशू, वाजपेयी जी है टॉक अबाउट कश्मीर इशू, एवरी लीडर यू हैव साइन एग्रीमेंट्स इन शिमला, इन ताशकंद, इन आगरा, एवरीवेयर। तो हाउ आई एम सेपरेटिस्ट, मैं आपकी चैनल पे आके डिबेट करता था और आपसे एक शिकायत है, आप तो मुझे भूल ही गए थे, आप तो समझे मर गया इंजीनियर शिव, लोगों ने आपको भी याद दिलाया। डोंट फॉरगेट अबाउट योर प्रोफेशन, मीडिया के लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आई एम वन अमंग यू, आई यूज राइट कॉल्स, आई यूज कम अटेंड टीवी डिबेट, लेकिन शिकवा आपसे भी है, 5.5 साल आपने कभी हमारा नाम नहीं लिया। इट्स समथिंग अबाउट त्यौहार, त्यौहार में एक दिन बैठना नरक के 100 साल से भी बदतर है। त्यौहार की कहानी मैं बता दूंगा, एयर क्यों मैं ऑटोबायोग्राफी, मैं त्यौहार में मजदूरी करता था, मैं लाइब्रेरी चला था वहां पर, यू कैन गो एंड चेक द रिकॉर्ड्स, आई यूज टू वर्क देयर इन द लाइब्रेरी, मेरे कोई घटक कोई उसमें मेरे मतलब गलत बात नहीं लगी, आई वर्क देयर लाइक द वे लाइक अदर इंडस्ट्री डू वर्क, सो आई डोंट नीड सेक्रेट फ्रॉम एनीवन, आई एम कमिटेड फॉर माई पीपल एंड आई विल डू टिल माई लास्ट ब्रेथ, एंड पीपल ऑफ कश्मीर हैव गिवन द वर्डिक्ट एंड दे विल गिव इट अगेन। माई मैसेज पीपल ऑफ इंडिया इज दैट वी आर नॉट यूर एनिमीज, यू आर बींग मिसलेड एंड वी आर बींग मिसरिप्रेजेंटेड रिगार्डिंग कश्मीर। सर आप इंजीनियर साहब एक बड़ा सवाल है, आपको अलगाववादी का धंधा तो दिया ही जाता है, अहम बात यह है कि उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से, कई लोगों की तरफ से ये कहा गया कि उनके खिलाफ जेल से लड़ने लोग आ जाते हैं और बच्चे, गरीब माँ बाप अपने बच्चों से मिल नहीं पाते। बहुत बढ़िया उन्होंने कहा, उमर साहब से इतना कहूंगा कि 5.5 साल क्या कभी एक बार वो मुझसे मिलने आए, किसी और कैदी से मिलने आए? उनके 3 MP यहाँ थे, जो अरविंद केजरीवाल और जो झारखंड के CM थे, जो करप्शन चार्जेस में थे, एलिजेड करप्शन चार्जेस में, उनके लिए रैलीज की, उनके लिए बहुत कुछ बोले, बट दे डिडंट स्पोक ए वर्ड ऑन इंजीनियरशिप फॉर 5.5 ईयर्स। नंबर वन, जब उनको यश सर आप तो आना चाहिए रविवार में लाइव, सर आपकी वजह से क्रेडिट गोज़ टू यू सर, प्लीज सॉरी प्लीज सर। तो मेरा मैडम आप भी आए ना, एंड थैंक्स माय लीगल टीम स्पेशली। मैं एक और लास्ट पॉइंट उमर साहब के बारे में, जो आपने कहा जेल से, उससे उनको इंट्रास्पेक्ट करना चाहिए, अगर उन्होंने लोगों की बात की होती तो जेल से उनको इलेक्शन नहीं लड़ पड़ता, बल्कि उन पर फर्ज बनता था जो लोग जेल से इलेक्शन लड़ रहे हैं, यू हैव सपोर्टेड देम बिकॉज वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द सप्रेशन, ही इज नॉट। उससे ये बता दीजिए आप, भाजपा साहब की सरकार में वो थी, उसके बाद मैडम जी थी, और मैडम जी जितना डैमेज बाबा मुफ्ती ने कश्मीर के लिए किया, उनके बाप ने किया, मैं ये कहता हूँ कश्मीर का सबसे बड़ा गद्दार शेख मोहम्मद अब्दुल्ला था, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला, उसके बाद उमर अब्दुल्ला, इज मोहम्मद इज कैरिंग फॉरवर्ड योर लेगेसी, दे आर डिस्ट्रॉयड कश्मीर, एक नया कश्मीर, मोदी का कश्मीर नहीं, इंजीनियर रशीद का कश्मीर, कश्मीरी का कश्मीर। अब सचमुच सियासी सवाल है वो ये है कि आखिर इंजीनियर रशीद के पास इतने लोग कहाँ से आ रहे हैं और इतनी फंडिंग कहाँ से हो रही है, ये तमाम सवाल जम्मू कश्मीर की सियासत में पूछ रहे हैं। बिहार में आपको एक दिन आना चाहिए था मेरे साथ, मेरा वहाँ 18 जनवरी से आज तक सामने सामने टेलीफोन भी बंद था, वीडियो कॉल भी बंद थी, तो हर इंडिया का राइट है, आई हैड नो कॉन्टैक्ट विद फैमिली, आई डोंट वांट टू प्रेस बिहार की अथॉरिटी राइट नाउ, उसके लिए मैं बाद में बात करूंगा। मेरे पिछले 6 महीने बिल्कुल नरक में गुजरे, स्पेशली जब 20 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसी दिन से मेरा फोन कट ऑफ किया गया, रात के 12 बजे मुझे निकाला गया अपनी सेल से, आई डोंट वांट टू डिमोरलाइज, ओनली मुझे दबाव डाला गया कि मैं किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को सपोर्ट करूँ, लेकिन इंजीनियर है जो सर कटाना जानता है, सर झुकाना नहीं आता। प्लीज सर, अगर ऐसा होता तो मैं 5.5 साल जेल में रहता क्यों, मेरी सर्जरी आई, मैं मरता रहा अस्पताल में, वो आप वहाँ के इनवाइट से पूछ सकते। एनीवे आई विल बी एट दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस, आई विल आंसर एवरी क्वेश्चन ऑफ यू, मुझे आपसे बहुत बातें करनी है। राम मंदिर वाला जो मुद्दा, अहम सवाल, साढ़े पांच प्रश्न, एक अहम सवाल ये है कि आप जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस दोनों अलायंस
किया हुआ है, क्या आप इस अलायंस के खिलाफ खड़े होंगे क्योंकि ये कहते हैं कि आप सेकुलर अलायंस है, हम जो है सभी लोगों का अलायंस है। अजीब सवाल है आपका, मेरा उनसे बनता क्या है? दे स्पीक अबाउट ईडी, दे स्पीक अबाउट सीबीआई, बट दे डोंट स्पीक अबाउट यूएपीए। अगर कैमरे देखें इंडिया अलायंस के किसी लीडर पर यूएपीए लगेगा, देन दे विल स्टार्ट स्पीकिंग।